छतरपुर में भारतीय जनता पार्टी की दक्षिणी दिल्ली की मेयर अनामिका सिंह के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। ये प्रदर्शन चौधरी राम सिंह नेताजी के नेतृत्व में हुआ। प्रदर्शन में बहुत लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश नहीं चलेगा, कथा नहीं चलेगी, कथावाचक की जरूरत नहीं है। अब देश को ज्यादा झूठ सुनने की जरूरत भी नहीं। साथियों, पहले लोग कहते थे देश का प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया, उसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आज मैं कहता हूं, जो तुम्हारा मेरे पास तो है ही वो टेलीफोन, इसमें हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री झूठा है, प्रधानमंत्री झूठा। ये कितनी शर्म की बात है, देश का सर झुकता है, देश का प्रधानमंत्री हमारा प्रधानमंत्री है, परंतु वो बीजेपी का प्रधानमंत्री है। आप किसी का प्रधानमंत्री नहीं रहे। आज ना गरीब की चिंता है, ना देश की चिंता है। अगर भारत नहीं खड़ा हुआ तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, ये देश को बेच कर चले जाएंगे, ये ढूंढे से मिलेंगे नहीं, ये हमें आपको बहकाना चाहते हैं। इनकी आदत है हिंदू धर्म, हिंदू भाइयों को बहकाकर जय श्री राम। अब इनसे पूछो, कोई मंदिर गया इनमें से तो जय श्री राम बोल रहे हैं? आके भी गए क्या जी मंदिर में? पर कुर्सी के लिए जय श्री राम। सरकार बने ना बने, जनता वोट मत दो, ये एमएलए तोड़ लेंगे, एमएलए तोड़ के सरकार बना लेंगे। ये हो क्या रहा देश में? आज देश का लोकतंत्र खतरे में है। हर आदमी को जागना पड़ेगा। जिन लोगों ने कुर्बानी दी इस तरह के झंडे के लिए, इस देश को आजाद कराया, आज फिर देश बिकने जा रहा है। हम देश को बिकने नहीं देंगे। आम आदमी के तमाम कार्यकर्ता नेता मिलकर आवाज उठाएंगे दिल्ली में, और इन लोगों को सबक सिखाएंगे कि तुम्हारी लूट और खसोट अब देश के लोग समझ गए हैं। अब झूठ ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जो रेडियो झूठिस्तान है, जो आता इतवार को, जो संडे बाजार लग रहा हो वो आता इतवार को, वो भी मैं कहना चाहता हूँ, अपने डकैतों को रोक ले। ये डकैत तेरे जेल में जाएंगे कुछ दिन बाद। जो तू लुटवा रहा क्षेत्र की जनता को, जो लूट रहे हैं लोगों के लेंटर, मकान नहीं बनने देते, FIR 65 FIR हमारे भाई बहनों पर हो गई है, मकानों की FIR हो गई है। ये पहली बार इस मेयर ने कराई है। ये साथियों, गुंडागर्दी ज्यादा चलेगी नहीं। तो साथियों, मैं तमाम बड़े आम आदमी पार्टी के नेता और दुर्गेश पाठक जी का बहुत आभारी हूँ कि वो हमें समय समय पर बताते रहते हैं, और हम सब लोग मिलकर काम करते हैं। और साथियों, देश सबका है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सब मिलकर तभी देश की शान है। और हमें रात को सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा देश में। तो साथियों, इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर आप आए, मैं इसके लिए आपका बहुत आभारी हूँ। और आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गली मोहल्ले में बैठेंगे नहीं, इन किसानों की बात को भी पहुँचाएंगे। गरीब किसान मर रहा है सीमा पे लेटा हुआ बॉर्डर के ऊपर, हम किसानों के साथ खड़े हैं। हाथ उठाकर समर्थन करो, हम किसानों के साथ।